अयोध्या राम की नगरी को लेकर अयोध्या में फुल लॉकडाउन, सीमा को किया गया सील। जनपद की सीमा पर लगाई गई फोर्स, शहर की सीमा पर लगाई गई बैरिकेडिंग, शहादतगंज व देवकाली एंट्री प्वाइंट पर भी लगाई गई बैरिकेडिंग। ग्रामीण क्षेत्र में एसपी ग्रामीण व सीओ व शहरी क्षेत्र में एसपी सिटी व सीओ अमर सिंह कर रहे हैं निगरानी। सरयू स्नान घाट, नागेश्वरनाथ, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, ऐसे तमाम मंदिर के कपाट बंद हैं, पर अंदर ही राम जन्म मनाया जा रहा है। साधु संत एवं भक्तों अपने अपने मंदिरों व घरों में प्रभु की जन्म मना रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पीएसी व आरएफ मुस्तैदी से डटे हुए हैं। आपको बता चलें, कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन हो जाने के बाद लाखों की संख्या में भीड़ होनी थी, पर सड़कें सूनी सूनी नजर आ रही हैं। स्नान घाटों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस के जवान, नगर निगम के कर्मचारी पूरी लगन ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पत्रकारों से वार्ता करते हुए सीओ अमर सिंह ने कहा कि नया घाट क्षेत्र, स्नान घाट, नागेश्वरनाथ, अन्य जगहों पर पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। लोगों से अपील भी की जा रही है, अपने अपने घरों में रहकर प्रभु श्री राम का पूजन अर्चन करें। सभी आने जाने वाले दो पहिया पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है और लोग अपने अपने घरों में रहकर पूजा अर्चन कर रहे हैं। राम जन्मभूमि फैसला आने के बाद आज पहला ऐसा अवसर है लॉकडाउन को देखते हुए, जहां पर आज राम जन्मोत्सव में 15 से 20 लाख की भीड़ थी, इसकी अधिक होनी थी, लेकिन आज लॉकडाउन होने की वजह से यानी कोरोना वायरस का कहर बढ़ने से देखिए किस तरह से सड़कें सूनी है। इसी रोड पे तमाम लाखों आदमी यहाँ पर टहलते थे और जाते थे, नागेश्वरनाथ में दर्शन करते थे, सरयू में स्नान करते थे और कनक भवन हनुमान दर्शन करते थे, रामलाल दर्शन करते थे, लेकिन आज कोरोना वायरस कहर इस कदर घाया कि आज लोगों का जो है घर से निकलना मुश्किल हो गया। और आइए बात करते हैं, यहाँ के सीओ हैं अमर सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और कैसे लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। जी, यहाँ पर जो है हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर करीब 15 से 20 लाख श्रद्धालु आते थे और इस वर्ष जो है ना तो करीब 40 लाख श्रद्धालु आने की संभावना थी, किंतु इसी दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से देश और दुनिया के अनेक भागों में इस संक्रमण के तेजी से प्रचार प्रसार के बाद ये भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि सब पूरे देश को लॉकडाउन किया गया। इसी के तहत में भी क्वेश्चन है कि लॉकडाउन का जो है किस तरह से आप पालन करा रहे हैं और क्या सोशल डिस्टेंस से क्या होता है। लॉकडाउन के बारे में सब प्रशासन द्वारा सभी जो प्रमुख संत महंत हैं उनके द्वारा अपील जनता को जारी कराई गई और अब जनता में एक जागरूकता अभियान चलाया गया और इसके बाद में जो है ना पुलिस प्रशासन जो है द्वारा यहाँ पर जितने बैरियर्स पॉइंट हैं वहाँ पर जो है ना पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद की गई ताकि कोई भी आदमी जो है ना घरों से बाहर न निकल सके और बाहरी जनपद का आदमी जो है ना अयोध्या में प्रवेश न कर सके। जल पुलिस की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? जल पुलिस भी अपनी जगह पर। देखिए ये थे अमर सिंह जी और यहाँ के सीओ हैं, बहुत ही तेज तर्रार यहाँ पर ये सीओ हैं और यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने लॉकडाउन का पालन कराया है, इन्होंने कहा सोशल डिस्टेंस यानी जो है अगर हम बताते हैं यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर जाता है टू व्हीलर से तो उसको केवल एक आदमी बैठेगा, एक गाड़ी पर एक आदमी, यानी सोशल डिस्टेंस का इस तरह से पालन कराना है और हर गाड़ी को चलान कर रही है, सीट भी गाड़ी हो रही है। और आज जिस तरह से यहाँ पर भीड़ होनी थी लेकिन उसको देखते हुए किस तरह से यहाँ पर देखिए बाइक को रोका गया है और टोटल चेकिंग हो रही है कैसे क्या करना है, लोगों को डिस्टेंस का पालन सिखाना है। और इसी तर्ज पर हम बता दें यहाँ पर जिस तरह से एक बाइक पर दो लोग बैठेंगे, यानी सोशल डिस्टेंस का मतलब होता है एक बाइक पर एक आदमी, सोशल डिस्टेंस मतलब एक फीट की दूरी होनी चाहिए। मैं सुबोध श्रीवास्तव, टीवी न्यूज अयोध्या। प्रभु श्री राम के जन्म के अवसर पर प्रसाद सभी लोगों तक पहुंचाया गया। राम की नगरी नजरबाग स्थित गुरुद्वारा में सेवादार सरदार नवनीत सिंह ने रामनवमी के पावन अवसर पर श्री गुरु नानक देव जी के श्री चरणों में अरदास करने के बाद अपने सहयोगियों के साथ ठेले पर हलवा चना लेकर निकल पड़े, जो जहां मिला उसको लंगर प्रसाद वितरण करते रहे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए सरदार नवनीत सिंह ने कहा कि आज प्रभु श्री राम का जन्म मनाया गया। आज हम लोग पिछली बार इसी गुरुद्वारे प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन करते थे जिसमें लाखों लोगों को प्रसाद प्राप्त होता था, पर आज
लॉकडाउन हो जाने की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंस बनाते हुए हमने अपने गुरुद्वारे से लंगर वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया। हम लोग हर मोहल्ले में पहुंचकर जहां पर लोग होंगे वहां पर प्रसाद पहुंचाएंगे, प्रभु श्री राम से विनती करेंगे इस दुख के घड़ी में हम सभी की रक्षा करें। दूसरी तरफ अपील भी करते चले कि आप लोग दूरियां बनाएं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए अपने घरों में ही रहें, साफ सफाई पर रखें विशेष ध्यान, प्रभु आपकी विनती जरूर सुनेंगे। लंगर वितरण करने वालों में सिंधी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर गुरुद्वारे के तमाम कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया। भगवान श्री राम की धरती नगरी अयोध्या में मैं इस समय खड़ा हूँ। ये है आपका जो है गुरुद्वारा, ये संत बाबा राम सिंह जी के नेतृत्व में और उनके सेवादार जथेदार बाबा महेंद्र सिंह के संरक्षण में यहाँ पर जिस तरह से संचालन किया रहा है, और यहाँ के सेवादार माननीय नवनीत जी अभी देखिए किस तरह से श्री राम जन्म उत्सव आज बड़ी धूमधाम से मनाया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन हो जाने की वजह से आज यहाँ पर जिस तरह से कोरोना वायरस कहर है और यहाँ पर श्री राम जन्म उत्सव मनाया गया, पर लोग अपने अपने मंदिर में अपने अपने घरों में रहकर करते रहे। और देखिए जिस तरह से ये महेंद्र सिंह जी आपके फिगर नेतृत्व में, ये आपके नवनीत जी किस तरह से इनके अपने सहयोग के साथ में, और ये जिस तरह से ये लेके आ रहे हैं, ये जो प्रसाद है इसमें हलवा है और चना है, प्रभु श्री राम का प्रसाद, ये निकल पड़े हैं और भूखों को पेट भर पेट भराने के लिए, और जिस तरह से प्रसाद बांटने जा रहे हैं, अब देखिए किस तरह से प्रसाद बांटते हैं, कैसे क्या है, और इनके साथ तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, सिंधी समाज के भी लोग अपनी जो है यहाँ पर दिखाया इन्होंने किस तरह से प्रसाद का वितरण करने के लिए सेवादार यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए कितना अच्छा वो पल है, वो घड़ी है, आज ये ऐसा प्रांगण है जहाँ पर लाखों की संख्या में आज यहाँ पर लोग लंगर पाते प्रसाद लेते, लेकिन आज कोरोना वायरस का है इतना ज्यादा बढ़ चुका है जिसको देखते हुए लॉकडाउन हो गया है। गूलर के पेड़ को काटने को लेकर विवाद में युवक की मौत। अयोध्या जनपद के थाना पटरंगा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जैनापुर में गूलर के पेड़ को काटने के विवाद में कृष्ण कुमार मौर्य, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष, को अनंतराम चौधरी एवं आलोक चौधरी ने मारकर घायल कर दिया। युवक को गंभीर अवस्था में घायल कर दिया गया, जिसे 112 पीआरबी ने मवई सीएससी पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्षेत्राधिकारी उदौली ने बताया कि गूलर के पेड़ को काटने के विवाद में अनंतराम ने कृष्ण कुमार मौर्य को मारकर कर दिया था घायल, जिसे सीएससी पहुंचाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। वहीं पर अनंतराम ने अपने ही सिर पर अपने हाथों से खुरपी से प्रहार कर अपने को घायल कर लिया, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। दूसरी तरफ आलोक चौधरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। परिजनों में कोहराम का माहौल पैदा हो गया है। आज सुबह लगभग 8:30 बजे ग्राम जैनापुर थाना क्षेत्र पटरंगा में कृष्ण मौर्य उम्र लगभग 60 वर्ष को अनंतराम एवं आलोक चौधरी नामक युवक ने गूलर के पेड़ को काटने को विवाद लेकर इनको घायल कर दिया। घायल को जब सीएचसी मवई लेकर गए तो वहाँ पर उनको मृत घोषित करा गया। आलोक चौधरी पुलिस की हिरासत में है एवं अनंतराम ने अपने सिर पर खुरपी मार ली, जिसकी वजह से वो अभी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है। चंपत राय द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना द्वारा 2 करोड़ राम मंदिर निर्माण हेतु दान दिया गया। राम की नगरी स्थित कार्तिकपुरम के प्रांगण में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से राम मंदिर निर्माण के कार्य को पहले से ही स्थगित किया जा चुका है। राम जन्म वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा मनाया गया। पहली बार सुरक्षा में तैनात 2400 सुरक्षा कर्मियों को महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना के नेतृत्व में सभी को प्रसाद वितरण किए गए। महावीर मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर मार्ग के लिए 2 करोड़ का चेक दान स्वरूप प्रदान किया। खुशी की बात कि श्री किशोर कुणाल जी जो आजकल पटना में रहते हैं, रेलवे स्टेशन के सामने महावीर मंदिर है, पुलिस अधिकारी रहे हैं, उन्होंने राम जन्मभूमि पर सुरक्षा की ड्यूटी देने वाले लगभग
2400 पुलिस सुरक्षा कर्मियों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की। मैं समझता हूँ स्वतंत्र भारत में अयोध्या की राम जन्मभूमि पर ये पहला अवसर है जब लगभग 2400 सुरक्षा कर्मियों को भगवान के जन्मोत्सव का प्रसाद प्राप्त हुआ है। श्री किशोर कुणाल जी ने ही श्री महावीर स्थान न्यास समिति यानी मंदिर की जो ट्रस्ट है उसकी ओर से 2 करोड़ रुपए का चेक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को डोनेट किया है। वैसे तो उन्होंने बहुत पहले स्वयं मुझको फोन करके सूचना दी थी। आज जो चेक मिला है वो 7 फरवरी का है, अर्थात संकल्प बहुत पुराना है। चेक भी काट दिया था, अयोध्या आना संभव नहीं हो रहा था, बाद में परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई। आज वो चेक आ गया, हमें प्राप्त हो गया, हमने स्टेट बैंक में दे दिया है।